हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त फाइजा चौधरी, अपने चैनल फाइजा चौधरी ब्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अब तो आपको पता चल गया होगा ना, फाइजा चौधरी ब्लॉग्स जो है माशाल्लाह वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है और बड़ा ही सक्सेसफुल हो गया। इसके बारे में भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं जल्दी दूंगी, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं। तो अब हम लोग जो है ना, मैं क्यों बताऊँ हम क्या करने लगे, वो तो आप खुद देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें। सारा कुछ फ्री है ये, बिल्कुल एक रुपया नहीं लगेगा। और जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे ना, मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आपको वो मिलेगी। साथ साथ मैं काम भी कर लूँ, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं उस जगह जाने के लिए। तो जनाब, हम आपको उस जगह क्यों लेके जा रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वहाँ जाना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये कि घर में ब्लॉगिंग करते रहते हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं। तो आज फहद आ गए जल्दी, तो मैंने कहा मौके का उठाया जाए फ़ायदा और हम लोग ज़रा आउटडोर ब्लॉग शूट करके आए। तो ये वो कंबल है जो कि दोपहर को मैं लेती हूँ इधर सोफे के ऊपर बैठ के। वैसे सोफे पे जो नींद आती है ना, सही बात है, बेड पे नहीं आती। तो दोपहर के टाइम जो है ना वो सोफ़ा होता है और मैं होती हूँ, लेकिन घर के काम भी मैं ही करती हूँ, सिर्फ सोफ़ा और मैं नहीं होती, व्लॉगिंग भी मैं ही करती हूँ, सारा कुछ मैं ही करती हूँ, लेकिन ये कि एडिटिंग जो है वो फहद करते हैं। तो जनाब चलिए आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं। आपने बहुत इंजॉय करना है क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो उस जगह पे वैसे भी काफ़ी रश होता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जैसे समर्स आते रहते हैं, करीब करीब आते रहते हैं, बाहर का मौसम आता रहता है, तो वहाँ रश बढ़ जाता है, लोग इंजॉय करने आते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ फॉलो मी। जनाब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ बहुत सुकून है और बहुत मज़ा आता है हमें आके, बहुत ही आते हैं हम लोग इधर। लेकिन आपको आज पहली दफ़ा ये जगह दिखा रहे हैं। ये है जी पिंडी का रेस कोर्स पार्क, जो कि कंटोनमेंट के अंडर है ना, तो इसलिए यह बहुत सुकून होता है, या वो लफंटरबाजी नहीं होती, मज़े का माहौल होता है, आराम से फैमिलीज आती हैं, इंजॉय करती हैं, बहुत ही खुला पार्क है। और आइए चलते हैं फिर पार्क के अंदर और दिखाते हैं आपको पार्क किस तरह का है। कम ऑन, 60 रुपीज़ के दो टिकट्स हैं, 30-30 ईच। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं। ये है पार्क की एंट्रेंस, इसके पीछे बाद आपको दिखाएंगे कि एंट्रेंस किस तरह की है। बहुत ही ग्रैंड पार्क है अंदर से, और पीछे ये जो अभी नए पौधे लगाए हुए हैं, बाहर का क्योंकि मौसम आ रहा है ना, तो पनीरियाँ लगी हुई हैं। अदरवाइज़ यहाँ सारी जगह पर फूल होते हैं। तो फाद एंट्रेंस दिखाएँ ज़रा, मतलब उस जगह से हम आए हैं और आप देखें बहुत ही ग्रैंड इसका जो है, कह लें कि सामने से जो स्टेज उतर के आते हैं बस बहुत ग्रैंड है यही कहना चाह रही थी मैं, इतनी में फलसफी। तो आइए बाकी का पार्क भी देखते हैं। एक्चुअली इसका जो सुता किया था वो बेनजी भुट्टो ने किया था वहाँ, और लगा भी हुआ है। और एक साइड पे बच्चों के झूले हैं और इस साइड पे वो वाला ट्रैक है जहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं और वॉक करते हैं। तो पहले तो हम उसी ट्रैक पे इंजॉय करेंगे और फिर उस साइड पे जाएंगे जिधर बच्चों के झूले झूले हैं। तो आइए मेरे साथ। फायदा पीछे देखिए। तो जनाब ये है वो वाला हिस्सा पार्क का जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये वो वाली रविश है जहाँ पर रश बहुत ही कम होता है, पता नहीं क्यों कम होता है इतना। लेकिन ये ना ऊपर से आप देखें ना, अगर पार्क आपको अच्छी तरह दिखा सके, तो ये बिल्कुल जो दरख्त है ना आपस में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से यह हमेशा जो है ना वो छाँव रहती है। और गर्मियों में भी ना ये जो ये वाली रविश है ना ये ठंडी ही रहती है। आप इसको ठंडी गली कह लें, ठंडी रविश कह लें, तो ये बिल्कुल उसी वाला हिसाब है। इसके साथ इस जगह पे जो हैं पाम ट्रीज जो लगे हुए हैं, इस जगह पे लोग वैसे बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, अदरवाइज़ जॉगिंग वगैरह का कोई नहीं है इसका सीन। और यहाँ पे सुबह के टाइम आपको बहुत स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि अपने टेस्ट की तैयारियां करने आते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारियां वगैरह करने के लिए आते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त तो बहुत और ही ज़्यादा कोई सुकून होता है। बाहर का मौसम है जिसकी वजह से आप देखें ये कॉम्पलें फूट रही हैं और दरख्त जो है नए सिरे से जो हैं उनमें ज़िंदगी की रमक जाग रही है। दिखाएँ पा ज़रा, ये वाला जो मौसम है ना ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें वो जो हम बिल्कुल एक पैक हुए होते हैं ना, उस चीज़ से हम बाहर निकल आते हैं। खैर अभी ये मैंने
मोटा सा ये पहना हुआ है अपर, वो इसलिए मुझे लगा शायद सर्दी ना और मैं कुछ ज़्यादा ही फैशन करके चली जाऊँ, इसलिए मैं ये पहन के आई हूँ। अदरवाइज अगर आपने पार्क में आना है, जो कि आपको पता ही है, जॉगर शॉगर या बूट आपने पहन के आने हैं, क्योंकि बंदा जब पार्क में आता है तो थोड़ी बहुत जॉगिंग तो कर ही लेता है, जैसे मैं अभी करने। आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो पार्क है ना, एक और वजह से भी मशहूर है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ बहुत परिंदे आते हैं। शहरों में आपको पता है वैसे जो परिंदे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन इस पार्क की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ अभी भी परिंदे जो हैं वो आते हैं, और कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि परिंदे हमेशा उसी जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें खुशी मिलती है। तो ये देखें, आइए मेरे साथ परिंदों को ज़रा उड़ाएँ। आए एक मजे की बात बताऊं, परिंदे मेरे जाने से पहले ही उड़ गए थे। मैं उन्हें भगाने गई ना, मतलब उड़ाने गई ना, तो वो पहले ही उड़ गए। मैं उनके पीछे पीछे भाग रही थी और परिंदे जो है ना वो पहले ही अपने रास्ते चेंज करके तो आगे जा रहे थे। उन्हें मेरी जो है ना मुदाखलत अच्छी नहीं लग रही थी। हम भी उन्हें फिर मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करते और पाके जो दूसरे हिस्से हैं उनको डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मेरा मतलब। परिंदों के पीछे दौड़ दौड़ के मैं थक गई हूँ और पापा हाथ का फ़ोन भी आया कि फादर अभी आपने फ़ोन नहीं सुना, अभी आपने ये शॉर्ट पूरा करना है। तो इसी थकन में ना थोड़ा सा मैं बैठूँ और आपको इनका सिटिंग एरिया भी दिखाती हूँ कि इन्होंने बैठने के इंतज़ाम कैसे किए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट बेंचेज भी हैं, लेकिन जो है पौधों के इर्द गिर्द भी इन्होंने जो है ना पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखाऊँ कि इनका सिटिंग स्ट्रक्चर क्या है। कमन कमन कमन, ये वो वाले पौधे हैं वो जो लगते नहीं है ज़ोर ज़ोर से जिसके कांटे से चुभते हैं, ये वो वाले पौधे। और बैठने के लिए जो मुझे सबसे पसंद जो जगह है वो ये है, ये वाला जो ट्री मुझे बहुत फैसिनेट करता है। आप देखें, ये जब बहार आ जाएगी ये पूरे जोबन पे होगा और फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर अभी भी ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही लग रहा है। तो यहाँ मैं और फहद बैठते रहते हैं, आज फहद नहीं बैठ सकते क्योंकि फहद बैठ गए तो शूट कौन करेगा, ये वाला शूट नहीं, ये वाला शूट। तो यहाँ हम बैठते हैं और यहाँ की टक शॉप से कभी कोई चीज़ ले लेते हैं, कभी नहीं लेते, ज़्यादातर हम नहीं लेते क्योंकि थोड़ा जॉगिंग के लिए आते हैं और फहद ने कैलरीज बर्न करके दोबारा खा लिया तो फिर कैलरीज बर्न करने का क्या फ़ायदा। तो आपको सारा ना गोल गोल दिखाते हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये वुडन का इधर किया हुआ है, मतलब सीट्स वुडन की है और साथ ये जो पिलर से बनाए हुए हैं ये कंक्रीट के हैं। ये है हमारी वो जगह जहां हम बैठ के थोड़ी सी गप्पे मारते हैं और इन्जॉय करते हैं। चलते हैं जी पोलो ग्राउंड में। ये यहाँ से एक जगह ना दूसरी जगह से इतनी ज़्यादा दूर है ना कि मेरी आज ना 800-900 कैलोरीज जो है ना बर्न होनी होनी है। लेकिन पोलो ग्राउंड आपको दिखाते हैं, आई थिंक वो पोलो का मैच भी कोई हो रहा है या ट्रेनिंग हो रही है। तो ये ग्राउंड इतना बड़ा है कि एक दफ़ा में इसको एक्सप्लोर करना या एक दफ़ा में इसका चक्कर लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बात लगा लेते हैं लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। तो आइए चलिए पोलो ग्राउंड में। बैठ गई हूँ एक गांव में, तो सो कहते हैं खाड़ा,
मतलब एक खाने में बैठ गई हूँ। ये गांव में तो क्योंकि वो कच्चे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये स्टोन्स वाले हैं। और अभी आज इसमें पानी नहीं है, पानी का कोई डे होगा, तो बहुत ही हर चीज़ वेल मैनेज एंड वेल ऑर्गेनाइज है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रेस्ट कर लूँ, बल्कि समझे रेस्ट हो गया। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस एरिया में जहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हैं। वो एरिया तो आपने देख लिया है जहाँ बड़े इंजॉय करते हैं, तो अब बच्चों की फेवरेट जगह पे चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए फॉलो मी। मेरा भी बड़ा फेवरेट है। मैं इधर जो पीछे झूले हैं ना, उधर कप्स भी हैं, वो गोल गोल घूमने वाले ना, बड़े मैंने झूले लिए हैं। उसमें बड़े झूले लिए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना, कप से ज़्यादा मैं झूला कोई ले नहीं सकती, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जना पेंट बॉल है, वो जंपिंग कैसल है, साथ ही उसके कप्स हैं, आपको ओवर भी उसका दिखाएंगे। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है जो नॉर्मली पार्क्स में नहीं होती, वो है यहाँ एडवेंचर। तो वो इस साइड पे ये आपको दिखाते हैं अभी। उसमें ये वो नहीं होता कि जो आपके बेल्ट्स लगा के और आप जो एक रोप के साथ आप लटक के जा रहे होते हैं जी, ये वो एडवेंचर का नाम दिया गया है उस जो है झूले को। तो वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वो वाला एरिया जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं। पीछे मेरे आपको एडवेंचर नज़र आ रहा है। यहाँ से वो जैकेट सी पहन के, तो इस रोप से फिर लोग जाते जाते उस तरफ को उतरते हैं। ये जो नीचे नेट लगी हुई है, ये इसलिए कि अगर कोई धड़ाम हो जाए ना तो नेट के ऊपर ही हो। और फिर उस साइड पे जाके होता था, नॉर्मली बहुत छोटे बच्चे जो है ना वो नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चे कर भी लेते हैं। मैंने नहीं अभी तक किया, मुझे डर लगता है इस पर, लेकिन छोटे बच्चे कर लेते हैं। हर एक की अपनी अपनी हिम्मत है। पीछे देखिए कितना रश है और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आके बड़ा मज़ा आता है हम दोनों को, क्योंकि बिल्कुल एक हमें एक लाइफ नज़र आती है इस जगह पे। क्योंकि पूरे पार्क में तो सारे हम मशीनी अंदाज में दौड़े होते हैं ना, तो यहाँ जो है बच्चे वो सही एंजॉय कर रहे होते हैं और उनके जब देख के हम लोग भी एंजॉय करते हैं। वैसे तो मुझे ये बात ब्लॉग के शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा मैं भूल गई। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, हमारा आज का जो व्लॉग है ये हम डेडिकेट कर रहे हैं अली सदपारा को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और इस दुआ के साथ हम अपना ये व्लॉग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो बख़ैर व आफियत अपनों में और हम सब में वापस आएँ और पाकिस्तान के लिए मज़ीद कारनामे सर अंजाम दें। तो हमारा आज का व्लॉग है अली सदपारा के नाम। मैं कभी इस जगह पर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं पार्क में थक जाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को दिखाने के लिए हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर से पार्क का ओवरव्यू क्या नज़र आता है। ये थोड़ा हाइट पे है जिसकी वजह से सारा पार्क यहाँ से नज़र आता है। तो सारा पार्क आपको दिखाने के लिए, जो मेरी दो चार कैलोरीज बची हैं ना वो भी बर्न करने के लिए चलते हैं जी ऊपर। आओ मेरे नाल पे। ब्लॉगिंग कोई आसान काम नहीं है, बड़ा को औखा काम है। जेड़ा काम मैं जिंदगी च नहीं ना किया, तुहानू दिखाण लई मैं करन डई हां। पहुंच चुके हैं हम अपने पार्क के या अपने कह लें ब्लॉक के एंड पे। तो
तो यहाँ पे इस बुलंदियों को छूती हुई जगह पे हम अपने ब्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मैं सलाम करती हूँ उन कोपैमाओं को जो इतनी बुलंदियों पे जाते हैं और हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, और सलाम करती हूँ अली सतपारा को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, क्योंकि हम लोग इतनी बुलंदी पर आते थक जाते हैं। इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम। फैज़ल चौधरी को आप याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।